नई आईटी नीति नियम लागू करने को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच चली आ रही तनातनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए आईटी नियमों को ट्विटर मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ट्विटर ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है और इस पर उसने आईटी मिनिस्टर को भी नहीं बख्शा। ट्विटर ने शुक्रवार को आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट बिना नोटिस एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह बताते हुए ट्विटर ने कहा कि रविशंकर प्रसाद ने अमेरिकी कॉपीराइट कानून की अवहेलना की है, पर इसके एक घंटे बाद चेतावनी देकर ट्विटर ने अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया। इसकी जानकारी खुद रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी और कहा, यह साफ है कि ट्विटर की मनमानी पर मेरे बयानों, खास तौर पर टीवी चैनलों पर मेरे इंटरव्यूज की क्लिप शेयर करने से ट्विटर तिलमिला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्विटर नियम मानने से इनकार कर रहा है, क्योंकि अगर वह नियम मानता है तो मनमाने तरीके से अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। समिति के समक्ष हुई पेशी में नियम ना मानने पर ट्विटर ने कहा कि हम भारतीय कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी नीतियां भी अहम हैं। जिस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा था, सरकार किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने के पक्ष में नहीं है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित कई बड़े लोगों के अकाउंट हैं। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी निष्पक्ष है। जहां ट्विटर केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही छूट के बाद भी नियम मानने से मुकर रहा है और चीजों को टालने की कोशिश कर रहा है, वहीं अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रविशंकर प्रसाद के अकाउंट ब्लॉक किए जाने पर सरकार ट्विटर के खिलाफ कैसा कड़ा रवैया अपनाती है।